खबर बस्ती से है, जहां जिले में सबसे बड़े मदरसे में बड़े पैमाने पर बच्चों को गलत तालीम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के जमदाशाही गांव का है। दारुल उलूम अलीमिया मदरसे के तैनात सहायक अध्यापक मौलवी अख्तर हुसैन पर आरोप है कि पढ़ने वाले बच्चों का ब्रेन वॉश कर गलत शिक्षा दी जा रही है। एक वायरल ऑडियो में पीएम राष्ट्रपति समेत कई लोगों पर विवादित टिप्पणी की बात सामने आ रही है। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। तो मदरसे से एक ऑडियो सामने आया और उस ऑडियो का जो कंटेंट है वो सही नहीं है। बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है उससे जुड़ा ये ऑडियो सामने आया, इसी पर अब एक्शन लिया गया है। थाना वॉल्टरगंज में एक वादी ने आकर ये का ऑडियो थानाध्यक्ष को सुनाया और उस संबंध में तहरीर दी। उस ऑडियो में थाना वॉल्टरगंज के अंतर्गत एक गांव जमदाशाही है, वहाँ के एक मदरसे के एक सहायक अध्यापक हैं, उनके द्वारा पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की जा रही थी। प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होने प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया SSD-IT एक्ट में, और उसमें जो अभियुक्त है उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। देखिए, एक ऑडिट होता है और उसमें हेरा फेरी की खबर सामने आती है। ये खबर है श्रावस्ती की, जहां जिला पंचायत ऑडिट के दौरान 3,57,00,000 की हेरा फेरी का मामला सामने आया। 48 मामलों में 3,57,19,358 रुपए का घपला पकड़ा गया है। बताया ये जा रहा है कि तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों ने निर्धारित दर से लाखों रुपए से ज्यादा ठेकेदारों को भुगतान कर दिया। हालांकि जिला प्रशासन के अपर मुख्यालय अधिकारी सुभाष भारती ने बताया कि सारे मामले ये गलत है, ये पूरा मामला फर्जी है। हालांकि ये घोटाला नहीं, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट है। देखिए, लखनऊ से खबर है, नगर निकाय चुनाव को लेकर के आरक्षण का प्रारूप तैयार बताया जा रहा है। नगर निकाय विभाग के मंत्री आज प्रेजेंटेशन दे चुके हैं और अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन होना है। प्रेजेंटेशन के बाद जारी होगा आरक्षण का प्रारूप, ये बात निकल करके सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन बाकी है, बाकी प्रारूप लगभग तय हो चुका है। मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन होने के बाद आरक्षण का प्रारूप जारी हो सकता है, ये बताया जा रहा है। निकाय चुनाव की टिक टिक शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी मद्देनजर ताजा अपडेट ये है, नगर विकास विभाग के विभागीय मंत्री के सामने प्रेजेंटेशन हो चुका है, CM के सामने प्रेजेंटेशन होगा, इसके बाद प्रारूप तय माना जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।